ठीक है, काउंट कर लेंगे सब मेरे साथ। और इसमें हु आर वी का चैप्टर मैनी टाइम्स हम लर्न कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। What does Islam teach us? ठीक है, What does Islam teach us? To believe in Allah and His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, To believe in Allah यानी अल्लाह को मानना, and His Prophet और उसके जो Prophet है मोहम्मद sallallahu alaihi wasallam उनको मानना। ठीक है, To obey Allah and be good. To obey Allah यानी अल्लाह को मानना, अल्लाह का हुक्म मानना, और बी गुड यानी कि अच्छे इंसान बनना, बी गुड अच्छे रहना। ठीक है, हर एक के साथ अच्छी आदतें अपनाना जो है वो हमारे इस्लाम का रूल है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये वाला क्वेश्चन हम जूम पे भी बहुत दफा कर चुके हैं, इसलिए आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब ये जो है वो आरवी का चैप्टर हम सारा पढ़ चुके हैं, आपको पता चल गया है कि हु आर वी, वी आर मुस्लिम, व्हाट इज अवर रिलीजन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास आज एक वर्क है आपकी इस्लामिया की कॉपी में। This one is your सामियात copy, ठीक है? Look here, ऐसी copy है आपके पास, और उस copy में जब आप page open करेंगे तो आपको जो है वो first of the title page मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सामियात की copy में first work कर रहे हैं। उसके बाद में topic है आपके पास who are we, जो कि अभी हमने book में पढ़ा। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पर एक work prepare हुआ है, ये आप सबकी copy में teacher ने prepare कर दिया है। ठीक है, स्टूडेंट्स की कॉपीज स्कूल में है, काइंडली टेक योर कॉपीज फ्रॉम स्कूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैप्शन रीड करेंगे, सबसे पहले तो आप डेट मेंशन कर लेंगे, डेट का यहाँ पर जो वो है पोर्शन वो एम्प्टी है, यहाँ से आप देखकर बोर्ड से डेट मेंशन कर लेंगे। ठीक है, क्लास वर्क यहाँ पे राइट हुआ है, उसके बाद कैप्शन रीड करेंगे मेरे साथ, कलर द ट्रू वन, कलर द ट्रू वन, ट्रू वन मतलब ट्रू यानी कि सच्ची बात है ये। ठीक है, ट्रू मतलब सच्चा और फॉल्स मतलब झूठा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू को कलर करेंगे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स राइट हुए हैं मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ठीक है, आपने भी गैस करना है और मैं भी आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, अपने हैंड में कोई भी एक कलर होल्ड कर लेंगे आप। ठीक है, मेरे पास ये रेड कलर है, मैंने ये होल्ड कर लिया, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, इससे मैचिंग वाला कलर भी ले सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हो। कलर द ट्रू वन, नंबर वन देखेंगे, वी आर मुस्लिम्स, We are Muslim. This is right or wrong, आपने guess करना है। Who are we? We are Muslims. ठीक है, If we are Muslim, तो आप क्या करेंगे, इसको color कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इस box को इस तरह से fill करना है जिस तरह से आप color करते हैं। ठीक है, अच्छे से neatly आपने इस box को fill कर लेना है, क्योंकि ये true है इसलिए हम इसमें color कर रहे हैं। ठीक है, नजर आ रहा है सबको? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम डाउन ऑन ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, मुस्लिम्स डू नॉट फॉलो इस्लाम, मुस्लिम डू नॉट फॉलो इस्लाम, गेस करिए दिस इज राइट और रॉन्ग। मुस्लिम्स तो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, मुस्लिम डू नॉट फॉलो इस्लाम, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फॉल्स वाले को कलर नहीं करना है, तो हम इसको छोड़ देंगे। नंबर 3 पर आ जाइए, इस्लाम टीच्स अस टू बिलीव इन अल्लाह, इस्लाम टीच्स अस टू बिलीव इन अल्लाह, जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने पढ़ा उसमें यही बात थी कि इस्लाम जो है वो हमें क्या सिखाता है, टू बिलीव इन अल्लाह। ठीक है, अल्लाह पर यकीन रखना। ठीक है, दिस इज राइट, टू बिलीव इन अल्लाह, बिलीव मीन यकीन, अल्लाह पर यकीन रखना। हम क्या करेंगे, दिस इज ट्रू वन, तो हम इसको कलर कर देंगे ये वाले बॉक्स को। ठीक है, और जो फॉल्स है उसको एम्प्टी रहने देंगे, कुछ भी नहीं करना है। Now come down on number 4. Muslims do not believe in Allah. Muslims do not believe in Allah. ठीक है, ये बात सही नहीं है। Muslims तो क्या करते हैं, अल्लाह पर बिलीव करते हैं, do not नहीं। ठीक है, मुस्लिम do not believe in Allah यानी अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, ऐसा नहीं है, Muslims believe on Allah. ठीक है, नंबर 5 इसलिए ये फॉल्स है, हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। नंबर 5, we should not obey Allah. Being a Muslim, we should obey Allah. तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, इसलिए इसको हम एम्प्टी छोड़ देंगे। सिर्फ आपने 1 एंड 2 दीज बॉक्स को कलर करना है, 1 एंड 3। ठीक है, ये 2 बॉक्सेस सिर्फ आप कलर करेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं और हमें ट्रू स्टेटमेंट को जो है वो कलर करना है। ये था आपका क्लास वर्क, आपने डन कर लिया है। ठीक है, और आपका होमवर्क जो है वो यही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 को रिवाइज करना है और
इसकी लर्निंग करनी है, ठीक है, हु आर वी चैप्टर, ठीक है। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को, व्हाट डज इस्लाम टीच अस टू बिलीव इन अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एंड जो दूसरी इसकी की है टू ओबे अल्लाह एंड बी गुड, ठीक है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, और आपने इसको बार बार जो है वो घर पर रिवाइज करनी है। तो था हमारा इस्लामिक कवर। अब हम क्या करेंगे इसके साथ अपनी जीके की क्लास, तो जीके की बुक निकाली है आपने मेरे साथ, दिस वन इज योर जीके बुक, वर्ल्ड अराउंड मी, ठीक है, एंड टॉपिक इज, ओपन करेंगे आप पेज 8 and 9, और उस पर आपका टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउसेस, ठीक है, हाउसेस, सॉरी पेज नंबर 8 सिर्फ आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 8 हाउसेस टॉपिक, ठीक है। चलें सबसे पहले हम इसको रीड कर लेते हैं और फिर हम इसके डिफरेंट जो इसके फीचर्स हैं उनको हम देख लेंगे, ठीक है। द प्लेस वेयर वी लिव इज अवर हाउस, द प्लेस वेयर वी लिव इज आवर हाउस, ठीक है, क्या है, जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारे रहने की जगह है वो क्या है, हाउस है, ठीक है। हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, हाउस में तो हम रहते हैं, हाउस में बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ पर जैसे किसी की भी रहने की जो जगह है वो उसका हाउस है, ठीक है, लेकिन हाउस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाउस, ठीक है। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं यहाँ एक अपार्टमेंट टाइप बना हुआ है, बड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और आप जब घर से निकलते हैं कुछ लोग अपार्टमेंट्स में भी रहते होंगे, ठीक है, कुछ लोग जो है वो अपने बैंगलोर्स में रहते हैं, कुछ के घर जो है वो इस तरह के बने हुए होते हैं, यानी कि एक जैसे बराबर बराबर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो कॉन्डो या अपार्टमेंट में रहते हैं, कॉन्डो या अपार्टमेंट यानी कि बहुत बड़ी एक बिल्डिंग होती है और उसमें जो सारे घर होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है, बराबर 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 एक जैसे होते हैं, लाइक फ्लैट्स आप उसको कह सकते हैं आजकल जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बैंगलोर, ठीक है, कोई कोई इस तरह के हाउस में भी रहता है, बड़ा सा घर अपना बना हुआ होता है एक अलग प्लेस पर, जहाँ पर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बने हुए होते हैं, ठीक है, बैंगलोर लाइक अ बिग हाउस, ठीक है। डुप्लेक्स, डुप्लेक्स कहते हैं एक ही जैसे दो दो घर बराबर बराबर, ठीक है, डुप्लेक्स यानी एक दूसरे की कॉपी, ठीक है, इस तरह के कुछ घर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हट, हट इज अ टाइप ऑफ हाउस, कुछ लोगों के पास इस तरह के भी घर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से हट बने हुए होते हैं, आप लोग कभी जाते हैं जैसे सी साइड वगैरह पर, वहाँ पर उन्होंने आपको हट बना कर दिए हुए होते हैं रहने के लिए, है ना, इस टाइप के घर। और इस तरह के बहुत सारे टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं जो कि आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अभी तो हमने इस बुक में जो देखा वो आपने देख लिया कि कितने टाइप के हाउसेज होते हैं, और अ शेल्टर, यू कैन से योर हाउस इज अ शेल्टर फुल, ठीक है, हमें हिफाजत देता है, हमें जो है वो प्रोटेक्शन देता है हमारा घर, ताकि हम एक छत के नीचे आराम से रह सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके सामने जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा बच्चों पैर है, जो कि आप सबके पास घर में मौजूद है। आपने जीके का पोर्शन ओपन करना है और उसमें हाउसेस का निकालना है वर्कशीट, हाउसेस के टॉपिक की वर्कशीट निकालनी है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सर्कल द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, अभी मैंने आपको क्या बताया, किसी के भी रहने की जगह को हम हाउस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस बने हुए, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं दिस इज हट, ये भी किसी के रहने की जगह है, तो क्या करना है, सर्कल करना है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस को, तो आपस में सर्कल कर देंगे, दिस इज नॉट अ हाउस, ठीक है, ये क्या है, एक बर्ड की पिक है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। दिस इज टेंट, टेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस, तो आप जो है वो क्या करेंगे, टेंट को सर्कल कर देंगे, ठीक है। स्वैन इज अ बर्ड, ठीक है, यू कैन से, बट आप इसको क्या करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे। कैसल, कैसल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस, आपने कभी देखा होगा स्टोरीज वगैरह में, जैसे डॉल्स वगैरह की जो स्टोरीज प्रिंसेस की आप लोग देखते हैं, उसमें आप कैसल वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो आप जो है, कैसल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाउस, ठीक है, रहने की एक जगह है, तो आप क्या करेंगे, इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। बैंगलोर, बैंगलोर हमने अभी पढ़ा बुक पे, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाउस, सर्कल करेंगे, ठीक है। कॉटेज,
कॉटेजेस भी जो है डिफरेंट, आप जो है वो क्या कहते हैं उसको, सैर करने वाली जो जगहें होती हैं, यानी घूमने फिरने वाली जगहों पर जब कभी आप जाते हैं तो उस तरह की कॉटेजेस आपको नजर आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ लिविंग प्लेस, तो आप इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। स्पैरो इज नॉट अ हाउस, ठीक है, नॉट अ टाइप ऑफ हाउस, दिस इज अ बर्ड, तो आप इसको सर्कल नहीं करेंगे। इग्लू, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो ठंडी जगहें होती हैं कि जहाँ पे स्नो फॉलिंग वगैरह होती है, वहाँ पर इग्लू टाइप ऑफ हाउस होते हैं, ठीक है। तो ये भी इग्लू जो है, दिस इज अ टाइप ऑफ हाउस, यहाँ पर लोग रहा करते हैं, ठीक है। एस्किमोस वगैरह जो होते हैं वो ठंडी ठंडी जगहों पे जहाँ होते हैं घर, तो वो इस टाइप के घर बनाते हैं, ठीक है। तो ये इग्लू इज अ टाइप ऑफ हाउस, तो सारे टाइप ऑफ हाउसेस को आपने कलर, सॉरी, सर्कल कर लेना है, ठीक है। सर्कल करने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उसको ब्यूटीफुली कलर भी कर लीजिएगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। कैन चेक योर होमवर्क फ्रॉम हियर, जीके का होमवर्क है आपका 2 वर्षन नंबर 3A, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, फ्रॉम वर्षन पैक। और सामयिक लर्न क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर हु आर वी, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, आपने नीटली ब्यूटीफुली इसको डन करना है और फिर अपनी बुक्स और कॉपीज को चेक कराने के लिए यहाँ पर ले आना है। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू लीव नाउ, ऑल ऑफ यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।